बैक टू माय YouTube चैनल जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे। एमएस वर्ड जो होता है एमएस ऑफिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एमएस वर्ड मैं यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है, ये देखिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमएस वर्ड 13 कहते हैं, ठीक है। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। एमएस जो वर्ड है स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्टार्ट बटन कहां पे है, एक बार फिर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि स्टार्ट बटन कहां पे है। ये देखिए, ये हमारा स्टार्ट बटन इधर कॉर्नर साइड में नीचे, देखिए यहां पे, ठीक है। ये देखिए यहां पे जो है ना, ये हमारा स्टार्ट बटन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग सर्च करेंगे कि वर्ड है कहां पे। तो वर्ड को सर्च करने के लिए आपको क्या सबसे पहले खोजना है, एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो हम लोग इसको ड्रॉ करके नीचे आएंगे, ये देखिए एच एम एम सीरीज में हम लोग आगे यहां से देखिए यहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा है ना 2013, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद हम लोग वर्ड देखेंगे, वर्ड 2013 कहां पे है, ड्रॉ करके नीचे आएंगे, देखिए यहां पे वर्ड 2013 यहां पे दिख रहा है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारा जो पहला स्टेप है स्टार्ट होने का वर्ड, ये ओपन हो चुका है, ये देखिए। और यहां से ब्लैंक लेंगे यहां पे, ठीक है, ये देखिए हमारा वर्ड ओपन हो चुका है। ये जो पहला स्टेप था वर्ड को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको क्लोज करके फिर दूसरे स्टेप से हम लोग वर्ड को स्टार्ट करेंगे। तो क्लोज करने के लिए हम लोग एक्स बटन को पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं एक फिर से इंडिकेट कर रहा हूं, क्लोज करने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करिएगा, ठीक है, एक्स बटन पे। ये देखिए यहां पे कॉर्नर में एक्स बटन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा वो क्लोज हो जाएगा। तो ये मैंने जो बताया था आपको, स्टार्ट मेन्यू पे जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और वहां से वर्ड 2013 पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूं रन कमांड से। तो रन कमांड ओपन करने के लिए मैंने बताया था वीडियो में कि विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे विन वर्ड, विन वर्ड यानी कि सर्च वाले बॉक्स में यहां पे, ठीक है, यहां पे जो हम लोग जहां पे लिखा ना ओपन, यहां पे टाइप करेंगे विन वर्ड, ठीक है, विन वर्ड। लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, देखिए वर्ड ओपन हो चुका है। स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, मैं एक बार इंडिकेट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करिएगा वो ब्लैंक ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो ये हुआ दूसरा स्टेप स्टार्ट करने का, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से इसको क्लोज कर रहा हूँ, अब मैं स्टेप थ्री की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। अब यहां पे लिखा ना टाइप हियर टू सर्च, इस पे हम लोग टाइप करेंगे, इस पे क्लिक करके टाइप करेंगे क्या, वर्ड 2013। देखिए यहां पे हेडिंग पे ही दिख रहा है हमारा वर्ड, ठीक है, यहां पे ही दिख रहा है आपको, देखिए वर्ड 2013। अगर ना दिखे इन फ्यूचर, ठीक है, तो बस आपको क्या टाइप करना है, वर्ड यहां पे WORD। जैसे ही आप टाइप करिएगा देखिए वहां पे वर्ड 2013 वो डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद बस उस पर आपको क्लिक कर देना है माउस का लेफ्ट बटन से, और उसके बाद हमारा जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो ओपन होता है तो देखिए ये सारे दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, मैं एक बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये देखिए ये जो दिख रहा है यहां से पूरी यहां तक स्क्रीन, इसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स। मैं इस पेपर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए टेम्पलेट्स,
जितने भी ये जो छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं, ये देखिए मैं एक बार आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्स है, ये जो प्री डिफाइंड जो बॉक्स बने हुए यहाँ पे, ठीक है, इससे हम लोग कहते हैं टेम्पलेट्स, ओके। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट, मतलब हाल ही फिलहाल में हमने कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेव किया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा रिसेंट पे। ये देखिए मैं यहाँ पे एक बार इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कहते हैं रिसेंट और यहाँ पे इसको कहते हैं टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स। अब हम लोग इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद अब जितने सारे जो टूल्स दिख रहे हैं इसको बारे में मैं आपको परिचय कराता हूं वन बाय वन करके। ये देखिए जो ऊपर की जो दिख रही है लाइन, इसे हम लोग कहते हैं, ये देखिए यहां से यहां तक का, इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मैं एक बार इंडिकेट करता हूँ यहाँ पे, आप इसे अपने कॉपी पे, अपने डायरीज पे या अपने माइंड में इसे जरूर याद करके रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए मैं एक बार इसी के ठीक बगल में यहां से और यहां तक की लाइन जो होते है इसे कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं इसे हम लोग? टाइटल बार। मैं एक बार फिर से इसे इंडिकेट कर रहा हूं दूसरे कलर से, ये देखिए टाइटल बार, ओके। अब इसी के ठीक इधर राइट साइड में, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको भी एक दूसरे कलर से मॉडिफाई कर दे रहा हूं आपको, ये देखिए यहाँ पे यहां तक ये जो तीन है इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, ठीक है। यहां से हम लोग प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम है इसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब क्लोज करना होगा क्लोज कर सकते हैं, छोटा करना होगा बड़ा करना होगा, ये सारे टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूं आपको प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है, ऊपर वाले लाइन पे। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो सबसे लेफ्ट साइड में है ऊपर की तरफ टॉप पे उसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, जो मिडिल में हमारा है उसे कहते हैं टाइटल बार, और जो राइट साइड में जो कॉर्नर पे है टॉप में उसे कहते हैं प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। क्लियर हुआ ये ऊपर वाले जितने भी लाइन है इसके बारे में, ठीक है। अब मैं आपको एक बार और बता रहा हूं, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब देखिए ये जो लाइन जो बनी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए यहां से यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं रिबन टैब। जैसे जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे वैसे एक रिबन की तरह निकलते जाएगा, जैसे होम पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, डिजाइन पे क्लिक करेंगे, ये सीरियली है, ठीक है, होम इंसर्ट डिजाइन पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रिबन टैब। मैं इसको इंडिकेट करता रहा हूं यहाँ पे रिबन टैब, रिबन टैब, ओके। अब जो ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है ये देखिए यहां से यहां तक, ये देखिए यहां से यहां तक, ठीक है, इसको हमने कहते हैं ग्रुप, यानी कि सारे ग्रुप का, इतने सारे टूल्स का वो एक एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, इतने सारे जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसका एक ग्रुप बनाया गया था क्लिपबोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रुप। मैं इसे एक बार इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये देखिए ग्रुप्स, ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं इसे फिर से इरेज कर रहा हूं। और ये जितने सारे दिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं मेनू या टूल बार, ठीक है,
इसे आप भी नोट कर लीजिए, यहां से यहां तक इसे कहते हैं मेनू या टूल बार। मेनू या टूल्स, दूसरी भाषा में इसको ऑप्शन भी कहते हैं, ऑप्शंस। ठीक है, मेनू भी कह सकते हैं, टूल्स भी कह सकते हैं या ऑप्शंस भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ। इसे मैं फिर से इरेज कर रहा हूं। अब देखिए ये व्हाइट जो एरिया दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए यहां से और यहां तक, इसे हम लोग कहते हैं रूरल। ठीक है, एक बार मैं एक बार फिर से इसे इंडिकेट कर दे रहा हूं, आप यहाँ पे देख लीजिए। इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है, ये देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से इंडिकेट कर रहा हूँ, इधर यहां से यहां तक। इसका डायग्राम अपने कॉपी पे, अपने डायरी पे जरूर बना लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा एमएस वर्ड का एक एक टूल्स के बारे में। ओके, क्लियर हुआ। मैं इसको फिर से इरेज कर रहा हूं। देखिए ये जो व्हाइट एरिया जो दिख रहा है यहां से, ठीक है, यहां से इस कोने से फिर नीचे के कोने से, इसे हम लोग कहते हैं वर्क एरिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, वर्क एरिया, यानी कि यहां से यहां तक इसको कहते हैं वर्क एरिया। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, वर्क एरिया, वर्क एरिया या वर्किंग एरिया, यानी कि जहां पे हम लोग काम करते हैं, करेंगे हम लोग कुछ कोई भी, वह वर्किंग एरिया हुआ, वर्किंग एरिया या वर्क एरिया। ठीक है, अब जो नीचे की तरफ दिख रहा है इसे हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, ये जो नीचे की जो एरिया है, मैं एक बार इंडिकेट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, यहां से यहां तक टास्क बार के ठीक ऊपर। ओके, टास्क बार के ऊपर इसे कहते हैं स्टेटस बार, मैं एक बार इंडिकेट कर रहा हूं इसको भी। स्टेटस बार, ठीक है, नीचे स्टेटस बार हो चुका है। अब हम लोग देखिए विंडो का जो लोगो है ये ऐसा होता है, मैं एक बार फिर से इंडिकेट कर रहा हूं, विंडो का जो लोगो होता है ये होता है ये, यानी कि एमएस वर्ड का जो लोगो स्टार्टिंग जो होता है लोगो, वो ऐसा होता है डब्लू। उसके बगल में जो दिख रहा है ये देखिए सिंबल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं शेव। मैं इसको एक बार नोट करा दे रहा हूं, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं हम लोग सेव, सेव ऑप्शन। ठीक है, उसके बगल में जो है, ठीक है, इसके जो बगल में जो ये घुमा हुआ एरो दिख रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं रेंडो। मैं एक बार इंडिकेट कर दे रहा हूं आपको दूसरे कलर से, ये देखिए ये, इसे कहते हैं अंडो, अंडो। ठीक उसी के बगल में एक और एरो है जो गोल घुमा हुआ है, उसे कहते हैं हम लोग रेंडो। मैं इसे भी इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये देखिए, ओके, ये ऊपर की लाइन क्लियर हो गई, यानी एक्सेस, क्विक एक्सेस बार में जो सारे छोटे छोटे टूल्स थे उस सारे टूल्स का मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग ठीक आगे बढ़ते हैं। ये पहला जो ब्लू लाइन दिख रहा है, फर्स्ट लाइन, यानी कि रिबन टाइप का फर्स्ट होता है फाइल। ठीक है, फाइल पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे आने वाले। ठीक है, देखिए मैंने फाइल पे क्लिक कर दिया यहां पे। ठीक है, फाइल पे क्लिक करने के बाद एक नया हमारे विंडोज डिस्प्ले पे आ चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हम लोग इसके डिस्कस, इसके सारे जो टूल्स दिख रहे हैं, जो नाम दिख रहे हैं, इस पे सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
तो इससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं, ये नीचे वाला लाइट लाइन है, जो नीचे वाला जो स्टेटस बार है, ये सारे इसके टूल्स के बारे में मैं इंडिकेट कर रहा हूं आपको। ये जो है हमारा पेज, आपके सिस्टम में कितने पेज हैं यहाँ पे इंडिकेट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार नोट कर दे रहा हूँ, ये जो है इसको हम लोग पेज काउंट कहते हैं, यानी कितने पेज आपको यहाँ पे काउंट करके बताएगा आपको, पेज काउंट। उसके ठीक बगल में वर्ड लिखा हुआ, मतलब वर्ड काउंट करके बताएगा कि आपके जो वर्क एरिया में कितने वर्ड्स हैं वो यहाँ पे काउंट करके बताएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक बार इंडिकेट कर रहा हूं आपको, ये देखिए यहाँ पे वर्ड काउंट। उसके बगल में ये प्रूफिंग है, ये देखिए जो एक बुक की तरह टिक मारा हुआ है, इससे हम कहते हैं प्रूफिंग। ये देखिए मैं इसे भी इंडिकेट कर दे रहा हूं, प्रूफिंग। उसके बगल में जो है उसको कहते हैं लैंग्वेज। देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश, ठीक है, जो बगल में लिखा हुआ है इंग्लिश, इसे हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। मैं इसे एक बार इंडिकेट कर दे रहा हूं ऊपर, ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं एक बार फिर से। अब हम लोग इस तरफ आएंगे, देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया ब्लू लाइन पे, नीचे की तरफ जो ब्लू लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जो छोटे छोटे टूल्स है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो छोटा सा ये बुक की तरह खुला हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग रीड मोड। ठीक है, मैं एक बार इंडिकेट करता रहा हूं आपको, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये जो छोटा सा है इसे कहते हैं रीड मोड। रीड मोड ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन हम आगे जब इस पे काम करेंगे तब ये समझ में आएगा, ये सारे छोटे छोटे टूल्स के बारे में। ठीक है, लेकिन मैं आपको आइडेंटिफाई करा रहा हूं इस वीडियो में, आइडेंटिफाई करा रहा हूं आपको। उसके बगल में जो है हमारा प्रिंट लेआउट है, ये देखिए मैं उसे भी इंडिकेट कर रहा हूं, देखिए यहां पे इसे प्रिंट लेआउट कहते हैं। प्रिंट लेआउट, अब उसके बगल में जो है लास्ट जो बचा हुआ है बुक की तरह, उसे कहते हैं वेब लेआउट। ठीक है, मैं एक बार उसे भी इंडिकेट कर रहा हूं, आप देखिए वेब लेआउट। ठीक है, अब उसके जो बगल में जो है माइनस और प्लस जो दिख रहा है, उससे हम लोग कहते हैं जूम। ठीक है, इस वाले को हम लोग कहते हैं जूम। ये देखिए यहां से यहां तक का जूम स्टेटस। ठीक है, अभी कितना पे जूम दिखा रहा है, 120%। ठीक है, जैसे ही हम लोग माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जूम आउट हो जाएगा, और हमें जूम इन करना है तो प्लस पे सिंबल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं इसे एक बार इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको भी इंडिकेट कर रहा हूं, ये देखिए छोटा सा बॉक्स बनाकर, देखिए यहाँ पे माइनस वाला जो माइनस वाला दिख रहा है ये ब्लू कलर से मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ रेड में, देखिए माइनस वाला। ठीक है, इंडिकेट कर रहा हूं, इसे कहते हैं जूम आउट, जूम आउट। ठीक है, और यहां पे जो प्लस की तरह दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग जूम इन, ये देखिए मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूं प्लस वाला, जूम इन, यानी कि जूम आउट
के लिए माइनस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जूम इन के लिए प्लस पे सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये स्टेटस शो करेगा आपका। ये देखिए यहाँ पे वो स्टेटस यानी कि जूम का स्टेटस जो 120 है, ठीक है, वो जूम स्टेटस इंडिकेट करता है। जूम स्टेटस, ठीक है, जूम आउट, जूम इन और जूम स्टेटस। ओके, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग फाइल के जो अंदर टूल्स है उस टूल्स को डिस्कस करेंगे। ये देखिए मैंने फाइल पे क्लिक किया, ये देखिए जो स्क्रीन दिख रहा है इसको कहते हैं इन्फो, यानी कि इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको वर्ड का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इंडिकेट कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। ये देखिए मैं यहां पे इसे इंडिकेट कर रहा हूं, इन्फो दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन, वर्ड का इन्फॉर्मेशन, वर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड इन्फॉर्मेशन। कैसा इन्फॉर्मेशन, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज में साइज, पेज, वर्ड, टोटल एडिटिंग टाइम, टाइटल, टैग, कमेंट्स, रिलेटेड डेट, लास्ट मॉडिफाई, क्रिएटेड, लास्ट प्रिंटेड, रिलेटेड पीपल, ऑथर, विंडोज यूजर, एड एन ऑथर, लास्ट मॉडिफाई बाय, शो ऑल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे उसका पूरी प्रॉपर्टीज यानी कि वर्ड का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा जब हम इस पे काम करेंगे, यानी कि कब हमने इसको बनाया है वर्ड को, इस पे कितना मिनट तक हमने काम किया है एडिटिंग पे, क्रिएट कौन किया है, इस पे मॉडिफाई कौन किया है, सेव किस नाम से है, कितने उसमें वर्ड्स है, कितने पेज है, कितने साइज ली गई है, टाइटल क्या है, इसका टैग क्या है, इसका कमेंट्स क्या है, टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरी तरफ आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहां से, यानी कि वर्ड का जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करोगे वो डॉक्यूमेंट पे कैसा प्रोटेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करना है, कौन सा वर्जन है, यहाँ पे इंडिकेट होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन था वर्ड इंफॉर्मेशन। हम लोग जैसे ही इस पे काम करेंगे इस सारे टूल्स जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना सारे चीज को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन्फो में, ठीक है, अब उसके ठीक नीचे है हमारा न्यू। ठीक है, न्यू, न्यू से क्या होता है, मतलब आपको नया डॉक्यूमेंट लेना है। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट आप यहां से, तो बस आप न्यू पे क्लिक करोगे, यानी कि नया डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट मैं इंडिकेट कर रहा हूं, न्यू का मतलब होता है, ठीक है, वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू वो डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं आप। न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, या ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट्स, ठीक है, ऑनलाइन टेम्पलेट्स, ऑनलाइन टेम्पलेट्स आपको लेना है तो यहां से न्यू पे मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे न्यू का जो ऑप्शन है वो सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं मैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ न्यू, ये सारे जो है मैंने बताया था आपको टेम्पलेट से, ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम में प्री डिफाइंड रहते हैं। और यहाँ पे किस टाइप का टेम्पलेट चाहिए, यहाँ पे यह देखिए मिल रहा है ऑनलाइन टेम्पलेट। अगर आपको ऑनलाइन टाइप का टेम्पलेट चाहिए तो बस इस पर आपको सर्च करना है, टाइप करना है और टाइप करके यहाँ पे सर्च वाले जो सिंबल है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर उसी से रिलेटेड अगर सजेशन चाहिए
अगर वर्ड में कोई सजेशन चाहिए, जैसे आपको बिजनेस से टेम्पलेट चाहिए, हॉलीडे से चाहिए, फ्लायर्स चाहिए, कार्ड्स चाहिए, पर्सनल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो आपको यहां से मिल जाएगा। देखिए यहां से सजेस्ट यहाँ पे जैसे इस पर आप क्लिक करेगा उसी से रिलेटेड आपका टेम्पलेट ओपन होगा। जैसे मतलब एजुकेशन चाहिए तो बस एजुकेशन पे क्लिक करिएगा, एजुकेशन से रिलेटेड आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार करके दिखता हूँ। ये देखिए एजुकेशन यहाँ पे कुछ सर्चिंग थाउजेंड ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट्स दिख रहा है। ये देखिए ये एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं। अगर मुझे फिर से हटाना है तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च वाले बॉक्स पे यहाँ पे बैक स्पेस ले लेना है, बगल में सर्च होम बटन पे क्लिक करना है। देखिए जहाँ पे थे वहां पे वापस आ गए हैं। यानी कि जैसा जिस टाइप का आपको टेम्पलेट चाहिए ऑनलाइन आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन जब आपको कोई बनाना है खुद से, यानी कि खुद आपको क्रिएट करना है कोई भी चीज डॉक्यूमेंट्स, तो बस आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अगर चाहिए प्री डिफाइन चाहिए मुझे टेम्पलेट चाहिए तो बस आपको क्लिक करना है यहाँ पे। देखिए वेलकम टू वर्ड 2013, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जैसा दिख रहा था स्क्रीन पे वैसे ही आएगा, वेलकम टू वर्ड 5 टिप्स टू सिंपलर वे टू वर्क। ठीक है, तो मुझे जब भी आपको काम करना है नया डॉक्यूमेंट पे तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है यहाँ पे। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्लियर हो गए टेम्पलेट्स। अब हम लोग ओपन ओपन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओपन मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप कंप्यूटर में सेव कर लेते हो, ठीक है, उसको चाहते हो फिर से हम खोल के देखें कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसा है, तो बस ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन का मतलब होता है खोलना, मतलब पहले से बना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में सेव है। ठीक है, तो बस आपको ओपन पे क्लिक करना है। ये देखिए जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा हमारा रिसेंटली डॉक्यूमेंट जो प्री बनाया हुआ है यहाँ पे, पहले से बनाया हुआ रिसेंटली, अगर इसमें भी नहीं है डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में के किस ड्राइव में, किस फाइल के किस फोल्डर में है, तो बस इस पे आप क्लिक करेंगे यहां से कंप्यूटर पे। जैसे ही आप क्लिक करिएगा यहाँ पे ब्राउज, ठीक है, ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्राउज पे क्लिक करिएगा आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन करने के लिए मतलब कहाँ आपका वो डॉक्यूमेंट है, फाइल है, किस फोल्डर में है, किस ड्राइव में है, ड्राइव के लिए इंडिकेट यहाँ पे है सी डी ई। ठीक है, ये ड्राइव है हमारा। ठीक है, इसके अंदर कहाँ कहाँ क्या चीज है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, यहाँ पे सारे चीजें, बस उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है माउस से क्लिक कर और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करिएगा कुछ सेकेंड के बाद वो ही चीज आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। यानी कि बस आपको बस सेलेक्ट करना है, वहां पे क्लिक करके ओपन कर देना है। अगर आप ओपन भी नहीं करते हो वहां पे, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना, इसी पे दो बार तेजी से क्लिक करोगे वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब तेजी जल्दी में आप काम कर रहे हो तो बस उस पे दो बार तेजी से क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। अगर आप स्लो हो, आप नए यूजर हो, तो बस एक बार उस पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहां से एक बार ओपन पे क्लिक करना है, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वो ओपन करने के लिए, मतलब कोई भी जब हम फाइल को सेव करते हैं उसे ओपन करने के लिए। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब हम लोग आगे फिर आते हैं सेव पे, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को आप चाहते हो सेव करना, मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पेंट में भी बताया था और वर्ड नोट पैड, इस सारे जो वीडियो थे हमारे उसमें मैंने आपको सेव के बारे में सेव, ठीक है, मतलब आप कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो तो बस आप सेव पे क्लिक करना है। जैसे कि अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है मैंने ओपन किया वो अभी सेव नहीं है हमारे कंप्यूटर में, वो सेव नहीं है, तो बस हमें जब सेव नहीं है तो इंडिकेशन मैंने बताया था नाम बिना नाम का दिखेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट, ये देखिए मैं हेडिंग पे दिख रहा हूँ, ये देखिए बिना नाम का ही है, डॉक्यूमेंट 4 दिख रहा है,
जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा वहां पे ऑटोमेटिक जिस नाम से मैं सेव करूंगा वहां ऑटोमेटिकली वो वहां पे उस नाम का आ जाएगा। मैं करके देखता हूं, ये देखिए सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, आपको कहां पे सेव करना है, कंप्यूटर में सेव करना है, कंप्यूटर पे आप क्लिक करोगे उसके बाद ब्राउज, जैसे ही आप ब्राउज पे क्लिक करोगे एक फिर सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स पे कह रहा है कि आपको कहां पे सेव करना है, कौन से पैलेस चूज करना है, मतलब एक स्थान चूज करना है कि कौन से ड्राइव में रखना है, कौन से फोल्डर के अंदर रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी डी ड्राइव पे क्लिक किया, डी ड्राइव पे विकास कुमार, और यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ जन कल्याण, और यहां से सेव पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं सेव पे क्लिक किया ऊपर जो दिख रहा था आपका, ठीक है, जो दिख रहा था आपका क्या डॉक्यूमेंट 4, वो ऑटोमेटिक चेंज होकर क्या हो गया, जन कल्याण। ठीक है, देखिए मैं एक बार इंडिकेट कर रहा हूं कहां था, जैसे कि जन कल्याण, पहले क्या था डॉक्यूमेंट 4 और अब क्या है जन कल्याण। ठीक है, तो ये हुआ सेव। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, फाइल पे मैं गया, यहां पे देखिए यहां पे जन कल्याण। अब नेक्स्ट है हमारा सेव एज, मतलब मैंने बताया था पिछला वीडियो में सेव एज क्या है, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को फिर से किसी नाम से किसी स्थान पे सेव करना चाहते हो तो सेव एज पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ सेव एज मतलब किसी नाम को फिर से किसी नाम के साथ किसी पैलेस में आपको सेव करना है तो बस सेव एज पे क्लिक कर देना है। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जन कल्याण है, इसको जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से सेव करना है। ठीक है, यही डॉक्यूमेंट को, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, सेव एज पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे एक बार इंडिकेट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान से देख लीजिएगा, ये देखिए जन कल्याण लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सेव एज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर ब्राउज। ठीक है, अब यहाँ पे जन कल्याण दिख रहा है ना, जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट, देखिए एजुकेशनल ट्रस्ट, और यहां से मैं एक बार सेव कर रहा हूँ, ये देखिए अभी देखिए क्या हुआ, जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट हो चुका है, जन कल्याण सिर्फ, तो मतलब किसी नाम को किसी भी स्थान को फिर से सेव करना है तो बस सेव एज पे क्लिक कर देना है आपको। ओके, और फिर आगे की तरफ आते हैं प्रिंट, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको चाहते हो कि प्रिंट करना। ठीक है, मतलब डिजिटल फॉर्मेट से हार्ड फॉर्मेट पे करना चाहते हो, मतलब सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में आपको कन्वर्ट करना है तो बस प्रिंट पे क्लिक करना है, मतलब आपको प्रिंटिंग करना है, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है किसी भी डॉक्यूमेंट कैसा भी हो उसको चाहते हो पेपर पे लेके आए तो बस आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरफ जो दिख रहा है प्रिंट सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है नाम तो दिख रहा है प्रिंट, लेकिन यहाँ पे प्रिंट सेटिंग, मैं एक बार इंडिकेट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट सेटिंग है, ये ऊपर से नीचे से या जहां से भी है यहां से हम प्रिंटिंग का सेटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग सेटिंग। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इस तरफ जो है हमारा, देखिए इस तरफ जो व्हाइट जो पेज दिख रहा है इसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू, मतलब आपका पेज आप जो प्रिंट कर रहे हो वो कैसा आएगा उसका पहले ही हम लोग देख लेंगे, प्रीव्यू करकर पहले देख लेंगे कि हमारा पेज पे वो जो वर्ड्स जो मैंने लिखा है वो इस यहाँ पे आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा, अगर नहीं आ पा रहा तो यहाँ से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू, मैं एक बार इंडिकेट कर दे रहा हूं आपको प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू। ओके, ये हुआ प्रिंटिंग सेटिंग और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे जैसे हम लोग सेटिंग करेंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा।
ठीक है, हम लोग अब इसके सारे टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए ऊपर है प्रिंट, अगर आपका जो भी चीज रेडी है एकदम लगता है कि 4 फीट है तो बस आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। अगर चाहते हो कि वो कोई मॉडिफाई करना तो यहाँ से उसका पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए प्रिंटर यहाँ पे सेटिंग्स दिख रहा है, देखिए यहाँ पे पहला जो दिख रहा है हमारा कॉपीज, मतलब आपको कितने कॉपीज में निकालना है, 1 कॉपीज 2 कॉपीज 3 कॉपीज मतलब फोटो कॉपीज नकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी सेटिंग कर सकते हो, ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बढ़ सकते हैं, नीचे की तरफ माइनस कर सकते हैं। देखिए वहां पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 3 4 यानी कि वो आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। अगर चाहे तो कम करना तो बस नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए वे कम हो गया, ठीक है। तो ये कॉपीज है, अब उसके ठीक नीचे है हमारा प्रिंटर, आपके सिस्टम में कौन सा प्रिंटर है, ठीक है, आपके सिस्टम में कौन सा प्रिंटर है यहाँ पे इंडिकेट करेगा। ये देखिए यहाँ पे एरो पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे जिस नाम का आपका प्रिंटर इंस्टॉल है आपके सिस्टम में, यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, बस आप इस पर क्लिक करिएगा वो सामने आ जाएगा और यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, इसके ठीक नीचे है प्रिंट प्रॉपर्टीज, प्रिंटर प्रॉपर्टीज मतलब आप प्रिंटर का जो सेटिंग करना चाहते हो, मतलब आपका डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट आए, ठीक है, या रंगीन आए कलर आए, तो यहाँ से हम लोग उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे की क्लास में हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेटिंग पे, ठीक है। आपका जो वर्ड का आपने जो बनाया है वर्ड में, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया उसकी सेटिंग, यानी प्रिंट करने से पहले उसकी सेटिंग करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट ऑल चाहिए, यानी पूरा प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ऑल पेज मतलब आपने 10 पेज बना के रखा है एक साथ तो 10 पेज को प्रिंट कर सकते हो, 10 का 10 प्रिंट ऑल पेज का मतलब हुआ। अगर चाहते हो केवल 4 नंबर पेज प्रिंट हो, मतलब आपने 10 पेज बनाया है 4 इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी जरूरत है, तो बस आप इस पे पेज 4 पे क्लिक करोगे और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर दोगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जो प्रिंट आपको प्रिंट करना है, ठीक है, जो पेज बस उसको यहाँ पे नंबर में डाल देंगे। अगर सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं आप तो बस प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक कर देंगे, सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, 10 100 50 100 100 हो। कभी कभी होता है कि आप सोचते हो कि मुझे केवल 10 नंबर पेज को ही प्रिंट करना है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब 10 लोगों का बायोडाटा बना के रखा है अपने, सोचते हो कि मुझे 5 नंबर जो नाम का लड़का है या लड़की है उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो बस यहाँ पे पेज 5 पे क्लिक करोगे और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देना है और वो 5 ही नंबर पेज जो होगा प्रिंट होगा, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रिंट वन साइड। अगर आपका जो प्रिंट है एक ही तरफ प्रिंट करना चाहते हो तो बस वन साइड पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगर चाहते हो दोनों साइड प्रिंट करना तो बस दोनों साइड वाले पे क्लिक करो यहाँ से। ये देखिए जैसे भी इस पे हम क्लिक करते हैं, देखिए प्रिंट वन साइड, प्रिंट ऑन बोथ साइड, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, लॉन्ग एज शॉर्ट एज, ठीक है, मतलब आपका प्रिंट जो होगा एक साइड पे ना होकर दोनों तरफ प्रिंट होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कलेक्टेड, मतलब चाहते हो कि एक पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज लगातार निकल जाए तो वहां पे कलेक्टेड पे क्लिक करेंगे। अगर चाहते हो कि 1 नंबर पेज जो हो वो 4 बार निकल जाए तो अनकलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अनकलेक्टेड, ठीक है, मतलब एक पेज जो हो 2 बार 3 बार निकले, दूसर का जो पेज है वो 3 बार निकले, तीसर का जो पेज है वो 4 बार निकले, तो यहाँ पे उसको सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे अनकलेक्टेड पे क्लिक करके, ठीक है। कलेक्टेड का मतलब हुआ 1 2 3 सीरियल बाय सीरियल प्रिंट होगा, और अनकलेक्टेड का मतलब हुआ कि 1 नंबर पेज जो होगा 3 बार प्रिंट होगा, फिर 2 नंबर पेज होगा वो 3 बार होगा, फिर 3 नंबर पेज होगा वो 3 बार होगा, 4 नंबर पेज होगा जो 3 बार प्रिंट होगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, मतलब आप किस मोड में प्रिंट करना चाहते हो, लैंडस्केप मोड पे,
कि पोर्ट्रेट मोड पे यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा मैटर आगे समझ में आ जाएगा अच्छे से। पोर्ट्रेट का मतलब हुआ ये लंबा में, और लैंडस्केप का मतलब हुआ चौड़ा में। ठीक है, देखिए मैं एक बार इसका प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ। देखिए लंबा में दिख रहा है, ये पोर्ट्रेट मोड में है। ये देखिए यहाँ पे ये पोर्ट्रेट मोड में है। अब यहाँ से इसको लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए वो चौड़ा हो जाएगा। देखिए ये देखिए इधर हो गया ना, इस तरफ हो गया, ऐसे हो गया। पहले ये लंबा था, अब चौड़ा की तरफ हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आते हैं। ये हुआ लेटर, मतलब आपका जो पेज है उसकी साइज, उसकी जो साइज है उसकी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेज की जो साइज है उसकी हम लोग यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं प्रिंट करते समय, कि पेज का जो साइज है, लेटर लेना है मुझे A3 पेज में लेना है कि A4 में लेना है कि A8 पे लेना है कि A2 पे लेना है, यहाँ से हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके टेक्निक के नीचे है नॉर्मल मार्जिन, मतलब आपका पेज का कैसा मार्जिन देना है, राइट में कैसा होना चाहिए, लेफ्ट में कैसा होना चाहिए, टॉप पे कैसा होना चाहिए, बॉटम में कैसा होना चाहिए, आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उस वीडियो में समझ में आ जाएगा मार्जिन। ठीक है, नीचे है वन पेज पर शीट, मतलब एक पेज एक शीट पे वो निकाल सकते हैं प्रिंट करके। ठीक है, अब लास्ट में हमारा पेज सेटअप, यानी कि पेज का हम लोग सेटअप करना चाहते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे की तरफ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा शेयर, मतलब शेयर करना चाहते हैं हम लोग, डायरेक्ट चाहते हैं कि किसी को शेयर करें, जैसे कि ईमेल पे हम चाहते हैं शेयर करना, व्हाट्सएप नहीं, ना व्हाट्सएप ना इंस्टा ना फेसबुक, हम लोग चाहते हैं डायरेक्ट ईमेल करना, क्योंकि वर्ड पे जो हम काम करते हैं वो डायरेक्ट ईमेल से टच हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपको यहाँ पे शेयर। ठीक है, आप चाहते हो यहाँ से शेयर करना, इनवाइट करना वर्ड पे किसी फ्रेंड को, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ईमेल पे क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ से सेंड ए अटैच, मतलब जो भी चीज हमने बनाया है उसको अटैच पे क्लिक करेंगे, और वहां पे ईमेल आईडी डालेंगे, और यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे, वो सेंड हो जाएगा, मतलब शेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि पीडीएफ में सेंड करना, देखिए यहाँ पे सेंड एज पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक बार इंडिकेट कर रहा हूँ शेयर सेंड करने के लिए ईमेल पे। ठीक है, डायरेक्ट वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जाएगा। अगर आप चाहते हो पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करना तो पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा, अगर चाहते हो कि XPS फॉर्मेट में भेजना तो यहाँ से आप भेज सकते हो। अगर आप चाहते हो फैक्स के माध्यम से भेजना, शेयर करना, शेयर का मतलब है किसी को भेजना, सेंड ही करना, दूसरा रूप में हम लोग सेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट वर्ड के रूप में हमें सेंड करना है। पहला जो हमारा है सेंड एज अटैचमेंट वर्ड फॉर्मेट में, तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। अगर हम मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में सेट करना है तो पीडीएफ में, अगर एक्सपीएस फॉर्मेट में सेव करना है, शेयर करना है आपको, तो बस एक्सपीएस। अगर आपको फैक्स में शेयर करना है, ठीक है, तो फैक्स पे। क्लियर, अब हम लोग आगे बढ़ते एक्सपोर्ट की तरफ। ये देखिए उसके ठीक नीचे ये इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, पोस्ट टू ब्लॉग, अगर आप चाहते हो ब्लॉग पे देना तो ब्लॉग पे दे सकते हो, अगर चाहते हो ऑनलाइन प्रेजेंट करना किसी को, मतलब कोई सेमिनार हुआ कोई भी चीज हुआ तो हम चाहते हैं वहां से डायरेक्ट ऑनलाइन प्रेजेंट करें। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा इनवाइट फ्रेंड, मतलब किसी को इनवाइट करना चाहते हैं और इनवाइट करके किसी को हम शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो सिंपली जो होता है हमारा ईमेल से हम कर सकते हैं, ईमेल इंपॉर्टेंट होता है हमारा कोई भी चीज शेयर करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक कर रहा हूं। यहाँ पे एक्सपोर्ट पर करने के बाद कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कोई भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, पीडीएफ या एक्सपीएस, तो बस इस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, कहाँ पे क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ ऑब्लिक करके जो है फॉरवर्ड स्लैश एक्सपीएस पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, मैं एक बार आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ,
अगर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये देखिए अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे आप, ये देखिए इस पे, ठीक है, इस पे, उसके बाद फिर आपको इस पे क्लिक करना है। मैं एक बार 1 2 करके इंडिकेट कर रहा हूँ, पहले इस पे और उसका फिर इस पे, पहले 1 पे फिर 2 पे, मतलब वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस रूप में, पीडीएफ में, ठीक है। अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्ड को पीडीएफ में, पीडीएफ जो होता है हमारे मोबाइल फोन में भी सपोर्टेड होता है पीडीएफ, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ओके। तो आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं एक बार इसे इंडिकेट कर रहा हूँ, कन्वर्टिंग टू पीडीएफ, ठीक है, कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, तो आप यहां से कर सकते हो एक्सपोर्ट पे जाकर, ठीक है, एक्सपोर्ट से आप यहां पे कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ कर सकते हो। जब आप कोई भी वर्ड बनाते हो वर्ड, ठीक है, जब डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो तो यहां से आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो यहां से कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा क्लोज, पता है क्लोज का मतलब ही होता है बंद करना, ओके, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। अगर आपको चाहते हो कि बंद करना चाहते हो कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी विंडो को, तो बस आपको क्लोज पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं एक बार इंडिकेट कर रहा हूँ क्लोज, जैसे मैं इस पे क्लोज पे क्लिक करूंगा, ये देखिए एक नोटिफिकेशन आएगा कि जो आपने जो भी एक्टिविटीज की है, ठीक है, उसको आप सेव करना चाहते हो तो बस सेव पे क्लिक करोगे, अगर नहीं चाहते तो डोंट सेव। जैसे हम डोंट सेव पे क्लिक करेंगे वो क्लोज हो जाएगा, अगर हम सेव पे भी क्लिक करते हैं फिर भी वो सेव होकर वो क्लोज हो जाएगा। अगर कैंसिल करना चाहते हो, कोई भी इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं या चाहते हो, तो बस इस पे कैंसिल पे क्लिक करना है, ये देखिए ये नो इफेक्ट हुआ। अगर इफेक्ट करना चाहते हो तो बस सेव पे क्लिक करना है, और अगर क्लोज करना चाहते हैं तो बस डोंट सेव पे क्लिक करना है। एक बार मैं आपको फिर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये देखिए क्लोज पे, यहाँ पे अगर आपको सेव करना है, मतलब जैसे ही वो सेव हो जाएगा आपके सिस्टम में वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, सेव होते हुए बंद हो जाना। डोंट नॉट सेव का मतलब होता है डोंट सेव का मतलब, मतलब सेव नहीं होगा फिर भी वो क्लोज हो जाएगा, इस पे अगर क्लिक करते हो। और क्लोज का मतलब हुआ कि आप कोई भी इफेक्ट नहीं चाहते हो, कैंसिल जैसा था पहले वैसा करना चाहते हो तो बस कैंसिल पे क्लिक कर देना है, ओके। और लास्ट में हमारे दो ऑप्शन है, अकाउंट और ऑप्शंस। ये अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जब हम पूरे के पूरे वर्ड्स जब हम कम्प्लीटली सीख लेंगे तब ये सारे टूल्स के बारे में समझ में आएगा हमें, ठीक है, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दो, ठीक है। ये जो दो है हमारा, मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये देखिए अकाउंट्स और ऑप्शंस। आप इस पर ट्राई नहीं करिएगा क्योंकि ये सेटिंग है, ये थोड़ा सा भी अगर इस पर क्लिक कर देते हो तो इसमें कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये मैं सारे लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ओके। इस पे आपको क्लिक करना ही नहीं है, अकाउंट्स और ऑप्शन पे, ओके। ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं आपको, मैंने टूल्स सारे बता दिया, ठीक है। अब इस तरफ हम लोग आते हैं, ये देखिए यहाँ पे माइनस है, ओके, ठीक है। अब हम लोग इधर जो हमने क्लोज प्रोग्राम, प्रोग्राम जो विंडो कंट्रोल के बारे में बताया था, इसके सारे टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हुआ जो हमारा हेल्प, अगर आपको कंप्यूटर से आपको हेल्प चाहिए वर्ड से रिलेटेड, ठीक है, तो बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं एक बार इंडिकेट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है ये आपके लिए ये हेल्प का काम करेगा, ठीक है। मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे हेल्प, ठीक है। उसके बगल में जो ऊपर की तरफ एरो जो दिख रहा है, बॉक्स में बंद हुआ एरो ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसे कहते हैं रिबन डिस्प्ले, ठीक है। ये हुआ हमारा रिबन डिस्प्ले, रिबन डिस्प्ले, ठीक है। उसके बगल में जो माइनस बटन है इससे हम लोग कहते हैं मिनिमाइज, ठीक है। मैं इसे भी इंडिकेट कर दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, लेकिन दूसरे कलर के साथ, ब्लैक कलर के साथ मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूँ,
आप अपने कॉपी पे जरूर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टूल्स जब तक आप नोट नहीं करिएगा समझ में नहीं आएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, मिनिमाइज, मिनिमाइज। उसके बगल में जो दो बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, ये देखिए उसके बगल में, इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है। ये जो दो बॉक्स बने हुए हैं, एक नीचे है, एक इसके ऊपर है ना, इसे कहते हैं रिस्टोर डाउन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिस्टोर डाउन। मैं इसको भी इंडिकेट कर रहा हूं, ये देखिए अपने कॉपी में से नोट कर लीजिएगा। रिस्टोर डाउन, रिस्टोर स्टोर डाउन, ठीक है, या मैक्सिमाइज बटन भी कहते हैं इसको, मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज रिस्टोर, ठीक है, इसको दो नाम से भी जानते हैं। उसके बगल में जो है हमारा एक्स जो बटन है, इसे कहते हैं क्लोज। देखिए मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूं, इसे क्लोज, क्लोज बटन, ठीक है। ये सारी क्लियर हो चुके हैं, यानी ऊपर की लाइन में मैंने बता दिया आपको, उसी के ठीक नीचे एक साइन इन, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आपको समझ में आया हुआ वर्ड के सारे टूल्स के बारे में, मैंने जितने भी बताए आपको टूल्स फाइल मेन्यू के बारे में, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर हम आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हो ये नॉलेज को किसी दूसरे को शेयर करना, तो बस हमारे एक बटन है वहाँ पे, शेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड लोग होंगे उन्हें भी ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।